हाँ बोलो। क्या कहाँ? कैसे हुआ? मैं और सासू माँ शॉपिंग करने गए थे, अल सलीम गैंग आई और फिर ये। नहीं रुक जाओ, मत जाओ, यूं मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज, मेरा आखिरी वक्त है। कितने सपने सजाए थे, दो बच्चे होंगे, एक का नाम सिंघम और दूसरे का दबंग होगा, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। पता है तुम्हारी पर्सनालिटी को सोच कर रखा था। कितना खून बह रहा है। जानू, मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में है, तो नीचे वाले उनको कैसे रोके? जानू, ओनली वन विश है मेरी। पता नहीं तुम पूरी करोगे कि नहीं। चुटकी भर सिंदूर, वो तो घर में है नहीं। हाँ, पर मैंने मंगलसूत्र का जुगाड़ कर लिया, पहना दो। अब ज्यादा मत सोचो वरना देर हो जाएगी। मुझसे प्यार करते हो ना, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। सारी सेटिंग हो चुकी है सासू माँ, और देर मत करो, इन्हें ड्यूटी पर भी जाना है, जल्दी। थैंक्स। सुनो जी, मेरी एक और आखिरी विश है। कहो। अब शादी हो गई, सुहागन भी बन गई, फेयरवेल किस भी दे दो प्लीज। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था प्लीज। ओ, इतने लोग हैं, इसीलिए शर्म आ रही है। छोरी हनीमून मना के रहेगी। अरे ये लोग तो चले जाएंगे। लव सीन शुरू। जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो चलो, कम। पर वो कम ना। और पास। हे भगवान, किससे शादी कर ली? ओहो, तुम्हें यहाँ किस करने को किसने कहा था? यहाँ किस माँ बहन को किया जाता है? पत्नी को नहीं। टेक टू, आ जाओ। आओ ना, आ जाओ मेरे शेर। बेबी, ड्रामा सक्सेसफुल। प्रॉप निकालो, बड़ा महंगा है। जीजाजी, अपनी शादी की दावत नहीं खाएंगे? जाइए जाइए, तैयार है, जाइए। चलिए ना जी। अरे आइए ना, थोड़ी देर और एक्टिंग करती ना तो ब्लड वाला स्टॉक खत्म होने वाला था। क्या ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा नहीं, रियलिटी शो। जो 10-20 साल बाद होने वाला था वो हमने आज ही कर लिया। आप दोनों का टाका भिड़ा दिया। जाओ जीजाजी के लिए खाना लेकर आओ, जाओ। खाना? वो तो मुझे खाना खिलाएगी, लेकिन आज मैं तुझे गोली खिलाऊंगा। क्या कर रहे हो ये? माँ, तुम भी इन सब के साथ मिली हो, तुमने धोखे से मेरी शादी करवा दी।
तू अगर जीवन में कुछ हासिल करेगा तो मुझे भी श्रेय मिलेगा ना। मुझे भी कंपनी चाहिए थी, इसलिए ये सब नाटक किया। चल अब छोड़। सुनिए जी, आपको मैं खाना खिलाऊं? हेलो, अब से यही खाना है। शट अप। तेरा बेटा हूं मां। मुझे मारने के लिए उसने प्रोफेशनल्स भेजे थे। उसने इनका केस हाथ में लिया तब भी मुझे मारने की कोशिश नहीं की। सीएम के हत्याकांड का मामला जब मैंने संभाला तब भी उसने मुझे नहीं मारा। नो पार्किंग जोन से जब मैंने उसकी गाड़ी टो की तब भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। पर निक्सन के बारे में सवाल करते ही उसने अपने आदमी मुझे मारने भेजे। कुछ तो गड़बड़ है। मरे हुए निक्सन के बारे में पूछने पर अल सलीम मुझे मारने के लिए इतना उतावला क्यों हुआ? एक बात तो तय है, निक्सन से जुड़े किसी राज के हम बेहद करीब हैं, बेहद करीब। हाँ दिलीप। यस सर। पीपल सर, टेक आउट ऑल द डिटेल्स अबाउट निक्सन एंड अल सलीम्स नेक्सस। यस सर। ये है निक्सन कैसिनोवा, इंटरनेशनल टेररिस्टों का अड्डा। टेररिस्टों को सारी इन्फॉर्मेशन, पैसा और हथियार ये निक्सन ही सप्लाई करता था। किस देश पर या किस इंसान पर हमला करना है ये कोई और नहीं बल्कि निक्सन ही तय करता था। स्टॉप, कम बैक, कम बैक, कम बैक, ज़ूम इन, हुईश।
हाँ, मैं निक्सन से प्यार करती थी। इंटरपोल अटैक में मारे जाने के बाद ही मुझे पता चला वो एक टेररिस्ट है। अब मैं सिर्फ लोगों का दिल बहलाती हूँ, और कुछ। तुम निक्सन के किसी दोस्त को जानती थी? सर, आपको निक्सन के बारे में मुझसे कुछ नहीं पता चलेगा। जितना आप उसके बारे में जानते हैं, मैं तो उससे भी कम जानती हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। जब भी तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए, तुम हमें कोऑपरेट करोगी, ओके? श्योर। थैंक यू। क्या वो आया था? यस बॉस। क्या कहा तुमने? आपने जैसा मुझे समझाया था मैंने वही कहा। जेनी। One minute, sir.